दोस्तों, क्या आप एक नया स्मार्टफोन लेना चाह रहे हैं और लेटेस्ट लॉन्च हुआ यानी कि अभी हाल ही में लॉन्च हुआ वो स्मार्टफोन लेना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 3 स्मार्टफोन लॉन्च बाय ऑल ब्रांड्स, यानी कि टॉप 3 कौन से वो स्मार्टफोन है जो पिछले मंथ यानी सितंबर मंथ में लॉन्च हुए हैं। ये वीडियो की सीरीज में आपको हर महीने प्रोवाइड करवा दूंगा। हर महीने जो है लास्ट में जो वीडियो जो भी है आपको मोबाइल लॉन्च हुए हैं वो सारे मैं आपको मंथ के स्टार्ट में बता दूंगा, तो काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं ये वीडियो। यानी कि आप नया नया स्मार्टफोन लेना चाह रहे हैं तो इस वीडियो की हेल्प से आप जानकारी ले पाएंगे कि कौन से बेस्ट स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं, और मैं वो स्मार्टफोन बताऊंगा आपको जो बहुत ही ज्यादा अच्छे है, ओवरऑल सारे स्मार्टफोन में से अच्छे हैं, जो सबसे ज्यादा बिके हैं या सबसे ज्यादा अच्छे हो सकते हैं आपके लिए। तो फटाफट से सितंबर मंथ के स्टार्ट में सैमसंग ने लॉन्च किया था अपने सीरीज का A52s। जी हाँ फ्रेंड्स, बात अगर इसके डिस्प्ले से करेंगे एज ऑल टाइम तो 6.5 इंच की डिस्प्ले एमोलेड पैनल के साथ वो भी 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ डेफिनेटली बहुत ही अच्छी डिस्प्ले प्रोवाइड कराई थी हमें सैमसंग ने, जो कि लेटेस्ट लॉन्च हुआ है। बात अगर इसके परफॉर्मेंस की करेंगे तो इसने हमें दिया है परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन का 778 5G। जी हाँ फ्रेंड, ये फ्यूचरिस्टिक स्मार्टफोन है, तो अगर आप इसके फ्यूचरिस्टिक स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हैं। रैम एंड स्टोरेज की बात करेंगे तो 8128 का बेस्ट वेरिएंट आपको देखने को मिल रहा है, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रैम और स्टोरेज देखने को मिला है। बात फाइनली तो नहीं करेंगे, हाँ हालांकि कैमरा की बात अगर करेंगे तो यार फ्रेंड कैमरा मिल रहा है क्वाड कैमरा के साथ। जी हाँ फ्रेंड, 64+12+8+5 जी हाँ फ्रेंड 64+12+8+5 के क्वाड कैमरा सेटअप। क्वाड कैमरा सेटअप का मतलब होता है फ्रेंड चार कैमरा आपको देखने को मिलेगा बैक पैनल पे। और सेल्फी शूटर की बात करेंगे तो अगर एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन हमें सैमसंग प्रोवाइड करवा रहा है तो वो डेफिनेटली आपको जो है 32MP का ही प्रोवाइड करवाता है, तो इसमें भी 32MP का सेल्फी शूटर देखने को मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छे से आप सेल्फी क्लिक कर पाएंगे इस स्मार्टफोन में। बात करेंगे इसके बैटरी की तो यार फ्रेंड 4500mAh की बिग बैटरी विद 25W के फास्ट चार्जिंग के साथ। जी हाँ फ्रेंड, मैं कहूंगा इसको फास्ट चार्जिंग, क्योंकि एक हाइट जो है बहुत ही जल्दी आप इसे चार्जिंग कर पाएंगे। बात कर लेंगे फाइनली इसके प्राइस की तो प्राइस है इसकी 37,499। जी हाँ फ्रेंड्स, यानी कि 37,500 के बीच में आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिला है। बात करेंगे नेक्स्ट स्मार्टफोन जो लॉन्च किए थे एप्पल ने। जी हाँ फ्रेंड, iPhone 13 की सीरीज में बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च किए थे, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 pro, यानी कि बहुत ही अच्छे अच्छे स्मार्टफोन लॉन्च हुए थे। सबसे पहले हम iPhone 13 mini की प्राइस की बात करेंगे, 128 वाली 69,999, यानी कि 70,000 की प्राइस पे ये लॉन्च किया था। बात करेंगे iPhone 13 उसकी प्राइस 128 की प्राइस है 79,999, यानी कि 80,000 की बजट में लॉन्च किया था। और iPhone 13 Pro जी हाँ फ्रेंड इसकी प्राइस है 1,20,000 रुपए की प्राइस में ये लॉन्च किया था। फटाफट से iPhone 13 के स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। 6.1 इंचेस की डिस्प्ले मिल रही है 16Hz रिफ्रेश रेट के साथ, 12+12 का डुअल कैमरा मिलेगा, सेल्फी शूटर मिलेगा 12MP का 3333mAh की बैटरी वो भी 20W के फास्ट चार्जिंग के साथ, और 4128 का रैम वेरिएंट था और लॉन्च हुए थे 17 सितंबर को ये सीरीज में, तो ये लॉन्च किए थे एप्पल ने अपनी तरफ से 3 स्मार्टफोन, तो डेफिनेटली एप्पल लवर के लिए बहुत ही अच्छे स्मार्टफोन हो सकते हैं। और फाइनल में बात करेंगे ओप्पो ने लॉन्च किया था अपना ओप्पो की S16। जी हाँ फ्रेंड, S16 का स्मार्टफोन जो कि एक मिड रेंज स्मार्टफोन है, 15,000 की बजट का स्मार्टफोन है, तो इसके साथ अगर आप एक की प्राइस कम ले वाला स्मार्टफोन चाहते हैं तो यहाँ पर तो आप जरूर ही जा सकते हैं। 6.5 इंच की डिस्प्ले मिली थी 16Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, तो डेफिनेटली आप उसके साथ जाएंगे। और 464 का रैम वेरिएंट है 13+2+2, जी हाँ फ्रेंड 13+2+2 का ट्रिपल रियर कैमरा मिला था। और सेल्फी शूटर की बात करेंगे यार फ्रेंड, अगर आप बैक पैनल अच्छा है और सेल्फी शूटर अच्छा नहीं तो यार फ्रेंड उस कैमरे में मजा नहीं आएगा, लेकिन अपना जो है ओप्पो दे रहा है हमें 8MP का जो है सेल्फी शूटर, तो सेल्फी शूटर भी बहुत ही अच्छा है। और बात कर लेंगे इसके परफॉर्मेंस की तो यार फ्रेंड परफॉर्मेंस थोड़ा सा लो चला जाता है मीडियाटेक का जो G35 का, लेकिन यार फ्रेंड प्राइस भी कम है, उस हिसाब से ही आपको स्पेसिफिकेशन थोड़ा तो कहीं कट करेंगे ना प्राइस कट, तो उस हिसाब से आपको देख रहा है। बात कर लेंगे इसके बैटरी की तो 5000mAh की बैटरी देखने को मिल रही है आपको, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी बैटरी है। और फाइनली बात इसकी प्राइस की कर लेंगे तो 13,999। तो यार फ्रेंड ये थे टॉप 3 ब्रांड
जो कि अपने स्मार्टफोन लॉन्च किए थे पिछले महीने में। हालांकि लॉन्च तो बहुत सारे स्मार्टफोन हुए हैं, लेकिन मैंने वही स्मार्टफोन आपके लिए सिलेक्ट किए थे जो आप परचेस कर सकते हैं या आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, वैल्यू फॉर मनी हो सकते हैं या लॉन्ग लास्टिंग चलने वाले हो सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो, वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी लेटेस्ट वीडियो के लिए, क्योंकि मैं लेकर आता रहता हूं आपके इसी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड। आपसे एक बार और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अगर लिंक से लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा कैशबैक मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।